देवास में मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर 1 नवंबर को समारोह स्थानीय पुलिस परेड ग्राउंड पर आयोजित किया गया। मुख्य समारोह में लोक निर्माण एवं पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने ध्वजारोहण किया। मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मुख्यमंत्री के संदेश के दौरान स्थापना दिवस की शुभकामनाएं और बधाई भी दी। स्थापना दिवस पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी गई, साथ ही पुरस्कार वितरण भी हुआ। मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश के प्रथम स्थापना दिवस पर कहा था कि मध्य प्रदेश संभावनाओं वाला प्रदेश है और यह प्रदेश भारत में सबसे आगे रहेगा। उन्होंने इंदौर में आयोजित हुए इन्वेस्टर मीट को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के एक फोन पर उद्योगपति आए, सभी कमलनाथ की नीति पर विश्वास करते हैं। देवास में बंद पड़े उद्योग को लेकर मंत्री वर्मा ने कहा कि जो उद्योग बंद पड़े हैं उनसे जमीन छीन ली जाएगी, नए उद्योग जो लगाने आएंगे यह जमीन उनको दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इन्वेस्टर मीट को लेकर कहा कि प्रदेश में 7 इन्वेस्टर मीट भाजपा सरकार की कार्यकाल में हुई, लेकिन एक भी उद्योग कहीं नहीं लगा। स्थापना दिवस पे मैं प्रदेशवासियों को हृदय की गहराई से बधाई देता हूँ। मुझे गर्व इस बात का है कि इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम स्थापना दिवस का अवसर पर कहा था कि मध्य प्रदेश बहुत संभावनाओं वाला प्रदेश है, यहाँ बहुत कुछ प्राकृतिक संपदा और भौगोलिक स्थिति बहुत सुंदर है। ये प्रदेश भारत में सबसे आगे निकलेगा और माननीय जवाहरलाल जी के नेतृत्व में हम 10 कदम आगे बढ़े हैं। रोजगार की बात है, एक मैनेजमेंट वाला व्यक्ति कमलनाथ के रूप में मुख्यमंत्री हमें मिला है, जिसने केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व संभाला है। उन्होंने स्पष्ट कहा है 18 अक्टूबर को जो इन्वेस्टर मीट इंदौर में हुई, देश के और विदेश से उद्योगपति आए थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं तस्तरी में आपके लिए सारी सुविधाएं लेके खड़ा हूँ, लेकिन मेरे मध्य प्रदेश की धरती में जब आप इन्वेस्टमेंट कितना करेंगे वो बोल के जाएँ तो मूर्त रूप लेना चाहिए, और जब आप उनकी इकाई लगाएं तो मेरे प्रदेश के 70% नौजवानों को उसमें रोजगार की जरूरत, तो रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हम साथ। क्या लगता है भैया धरातल पर, यानी कि आपका कहना है कि अब जो उद्योगों को लेकर जो बात हुई थी इन्वेस्टर मीट में, ये सब अब धरातल पर जल्दी दिखाई दे? देखिए, बात इसलिए विश्वसनीय है कि कमलनाथ जी जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार के समय कॉमर्स इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, उससे और उसके पहले से उनके तमाम देश के औद्योगिक घरानों से पारिवारिक संबंध हैं और उनके एक फ़ोन पे तमाम सारे उद्योगपति चल के आए हैं और वो लोग कमलनाथ जी पे विश्वास करते हैं, कमलनाथ की नीतियों पे विश्वास करते हैं। तो निश्चित रूप से देवास भी इस मध्य प्रदेश में शामिल है, यहाँ भी नई औद्योगिक इकाई आएंगी पूर्ण मध्य प्रदेश में, ऐसा नहीं कि पीतमपुर मालनपुर और देवास में, यहाँ भी तमाम प्रदेश में अलग अलग जगहों पर नई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित होंगी और नौजवानों के। भैया देवास में बंद पड़े उद्योगों को लेकर क्या कहेंगे? हमने तो कोई योजना बना ली है, जो उद्योग बंद पड़े हैं उनसे तत्काल जमीन छीन ली जाए, नए उद्योग जो आ रहे हैं, एक बड़ा लैंड बैंक हम बना रहे हैं 200-300 एकड़ का देवास में, हम नए उद्योग जो लगाने आएंगे वो जमीन उन्हें देंगे, ये योजना हमने बना ली। भैया अंतिम सवाल, यानी आपका कहना है कि जो 15 साल भारतीय जनता पार्टी के बेहतर जो है कार्यकाल साबित होगा कांग्रेस? अरे आप देखिए, 7-7 इन्वेस्टर मीट शिवराज चौहान ने करी इस मध्य प्रदेश में, इंदौर में, खजुराहो में, कहीं कोई निवेश आता हुआ नहीं दिखा। अब क्योंकि एक विजन वाला व्यक्ति इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है, जो मैनेजमेंट माना जाता है, निश्चित रूप से औद्योगिक इकाइयाँ भी आएंगी, नौजवान के हाथ भी मजबूत होंगे, किसान की भी और ऐसा कोई तबका नहीं बचेगा जिनके विकास के लिए काम ना हो। कमलनाथ जी सबके लिए पूरी योजना बना चुकी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।